आचार संहिता उल्लंघन का मामला एक बार फिर आया सामने। प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री के फोटो लगे पंपलेट हुए जब्त। मतदान के प्रति जागरूकता फैलाने पिंक रन हुई आयोजित। महिलाओं एवं युवतियों ने लगाई दौड़। युवक ने लगाई पुल से छलांग, हुई मौत। भाजपा का पालक संयोजक कार्यक्रम हुआ आयोजित। पार्टी के आगामी कार्यक्रमों के बारे में दी गई जानकारी। नमस्कार, स्वागत है तूफान टीवी न्यूज में। दमोह जिले का पहला यूट्यूब चैनल, आप खबरें देखिए विस्तार से। सरकारी विभाग में एक बार फिर आचार संहिता उल्लंघन का मामला सामने आया है। कांग्रेस की शिकायत पर वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी के कार्यालय से निर्वाचन आयोग की टीम ने प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री के फोटो लगे पंपलेट जब्त किए हैं। इस मामले में कृषि अधिकारी का कहना है कि यह पंपलेट पुराने हैं, ये महज यहां रखे हुए थे, इनका वितरण नहीं किया जाना था। जबकि कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि इनको किसानों में बांटा गया है। रिटर्निंग ऑफिसर ने पंपलेट जब्त कर जांच की, कर कार्रवाई की बात कही है। देखिए, जिले में आचार संहिता लागू है और लगातार आप देख रहे हैं किस तरीके से आचार संहिता का उल्लंघन के मामले आ रहे हैं। इसके बाद भी शासकीय कर्मचारी चेत नहीं रहे हैं। यहाँ पर हम आए हैं वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी जो हैं, जहाँ पर किसान इकट्ठे होते हैं अपने सामान को प्राप्त करने के लिए, वहाँ पर खुलेआम मोदी जी और मुख्यमंत्री के पोस्टर लगे हुए पंपलेट्स बिखरे पड़े हुए हैं ऑफिस में, जिनका उपयोग यहाँ किया जा सकता है, इसकी पूर्ण संभावना है। और आचार संहिता में नियम ये भी है कि 24 घंटे के अंदर इस तरीके की जो सामग्री है जिसमें शासकीय योजनाओं का प्रचार प्रसार हो, उनको आप व्यवस्थित तरीके से वहाँ से अलग कर दें सरकारी बिल्डिंग से। उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं की, और जब हम शिकायत करने आए तो ये बताया, इस माने हीलावाली के लिए जा रही है, घंटे में कार्रवाई हुई आज यहाँ पे। और कलेक्टर साहब कहते हैं कि वो हम भेज रहे हैं हमला, और अभी आप देख रहे हैं कितने समय बाद यहाँ पर हमला आया है और किस तरीके से पूरा प्रशासन तंत्र में कहना चाहूँगा, निर्वाचन में खुलेआम धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं और लचर व्यवस्था उनके द्वारा अपनाई जा रही है कार्रवाई करने में। मुझे एडीएम साहब के द्वारा सूचना मिली थी कि यहाँ पर राजनीतिक व्यक्ति के फोटो लगे हुए कुछ ब्राउज़र प्राप्त हुए हैं ना, तो इसमें संबंध में मैं इंस्पेक्शन करने आया और मुझे निर्देश दिए गए कि ये जो ब्राउज़र हैं वो एक बंद कमरे में एक लॉक करा दिया जाए सारे इकट्ठे करके। संख्या कितनी होगी और किस तरह से उसमें अभी जाँच चल रही है, कौन खराब है सर? आचार संहिता लागू होने के बाद किस तरह से ब्राउजर रखना चाहिए? नहीं, ये इस तरीके के ब्राउजर रखना आचार संहिता के उल्लंघन के तहत आते हैं, जिसमें किसी भी राजनीतिक व्यक्ति का फोटो नहीं होना चाहिए। कार्रवाई होगी, पंचनामा बना के एडीएम साहब। मतदाताओं में मतदान के प्रति जागरूकता फैलाने प्रशासन द्वारा लगातार ही कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। महिला बाल विकास विभाग से पिंक रन का आयोजन किया गया, जिसमें महिलाओं एवं युवतियों ने शहर के विभिन्न मार्गों से मतदान का संदेश देते हुए दौड़ लगाई। जिला स्वीप प्लान अधिकारी केपी अहरवाल ने घंटाघर पर युवतियों एवं महिलाओं को मतदान की शपथ दिलाई। Yeah.
नारी शक्ति सप्ताह के अंतर्गत पिंक रंग में हमारी महिलाएं मतदान देने के लिए एक विशाल रैली का आयोजन करने जा रही हैं। घंटाघर चौक पर उन्होंने शपथ ग्रहण की है और आह्वान किया है कि हम दमोह जिले में 100% वोट करवाने का प्रयास करेंगे और महिला बाल विकास की सारी महिलाएं जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं, अधिकारी हैं, वे सब यहां एकत्रित होकर के मतदान की शपथ करके यह शपथ ले रही है कि हम दमोह जिले में 100% मतदान करा के रहेंगे। और साथ में कमला नेहरू कन्या महाविद्यालय की छात्राएं भी है जो शपथ लेती है कि हम मतदान में अपना किसी भी प्रकार का बाधा नहीं पहुंचाएंगे और एक वीर सैनिक के रूप में मतदान जागरूकता के अंतर्गत हम सहयोग करेंगे। यही हमारी सभी मतदाताओं से कामना है और 100% वोट करने का प्रयास सभी मतदाता करें। धन्यवाद। निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार महिला मतदाताओं का प्रतिशत बढ़ाने के लिए हर एक महिला मतदान में अपना भाग ले यह सुनिश्चित करें, इसके लिए आज नारी शक्ति सम्मान के तहत पिंक रैली का आयोजन किया गया जिसमें सभी महिलाओं ने भाग लिया और महिलाओं को अधिक से अधिक मतदान करने के लिए प्रेरित करने हेतु यह स्वीप प्लान के अंतर्गत आयोजन किया गया। जिले के नोहटा पुल से एक व्यक्ति द्वारा छलांग लगाकर खुदकुशी कर लेने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार दमोह जबलपुर मार्ग पर बने नोहटा पुल से एक युवक ने करीब 120 फुट नीचे ब्यारमा नदी में छलांग लगा दी। प्रत्यक्षदर्शियों ने युवक को छलांग लगाते देख पुलिस को तुरंत सूचना दी। पुलिस ने गोताखोरों की मदद से युवक की तलाश प्रारंभ कर दी। करीब 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद युवक को बाहर निकाला जा सका, परंतु तब तक उसकी सांसें थम चुकी थी। युवक की शिनाख्त अभी नहीं हो सकी है। युवक ने यह आत्मघाती कदम क्यों उठाया यह जांच का विषय है। आगामी विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी को जीत दिलाने बैठकों का दौर जारी है। जिला भाजपा कार्यालय में ग्रामीण मंडल के पालक संयोजकों की बैठक का आयोजन किया गया जिसमें सभी विधानसभा क्षेत्रों से आए पार्टी के संयोजकों ने हिस्सा लिया। बैठक में कार्यकर्ताओं से संवाद कर पार्टी के द्वारा आयोजित किए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों के बारे में जानकारी दी गई। इस अवसर पर जिला भाजपा अध्यक्ष देवनारायण श्रीवास्तव के साथ बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं की मौजूदगी रही। जिसके लिए हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं, जिस हेतु जिस उद्देश्य को लेकर हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं वह 28 नवंबर तो मालूम है क्या सबको मतदान मतलब पूरी जो अपनी ये कसरत है वो 28 तारीख को लेकर वोट 10:30 बजे के पहले निकल जाए और कोशिश करेंगे कि जो मतदान केंद्र पे हमारी बूथ समिति है जो 15 तारीख खर घर भारतीय जनता पार्टी का झंडा है, 11:30 बजे भारतीय जनता पार्टी लगभग जीत चुकी है। ये आप लोग इस बात को कहीं भी कोई ऐसे मौका लगे आपस में दुकानों की दुकान पर खड़े हो, चाय की दुकानों पर खड़े हो, सार्वजनिक स्थानों पर खड़े हो, 10:30 बजे ये ऐसा देखिए भारतीय जनता पार्टी आगामी मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले उसको ध्यान में रखती हो जो प्रदेश नेतृत्व से और राष्ट्र नेतृत्व से आगामी 1 महीने के लिए अनेक अनेक कार्यक्रम कार्यकर्ताओं के लिए मतदान केंद्र पर होने वाले आए उन कार्यक्रम को किस तरीके से आम जनमानस तक पहुंचे, मतदान केंद्र का कार्यकर्ता कैसे उन्हें अच्छे से अच्छा आयोजित कर सके, अच्छे से अच्छा वातावरण बना सके, इस हेतु आज पालक संयोजक की बैठक का यहाँ पर आयोजन किया गया है।
बहुत बड़ी संख्या में ग्रामीण क्षेत्र से हमारे कार्यकर्ता इस पूरी बैठक में पधारे हैं और आने वाले समय में हमारे भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के जो दौरे होने हैं, जो कार्यक्रम होने, उन सब चीज़ों को लेकर आज इस बैठक का आयोजन किया गया है। बस सब तैयारियों को लेकर आज कार्यक्रम किया गया है। तो ये थे आज के समाचार। अगले बुलेटिन के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।